हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश पेडागॉजी के फर्स्ट चैप्टर के साथ में, और ये नई सीरीज़ रहेगी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए। लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल धूमधाम से प्रिपरेशन करेंगे अपने सीटेट एग्ज़ाम की। आज ये इंग्लिश हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको हिंदी की, पेडागॉजी की, CDP की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी आगे भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इसके अलावा एक और बात आप लोगों से बात करनी थी कि एक स्टूडेंट का मेरे पास में कमेंट आया था कल की लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें ऐसा नहीं होता है सीटेट में रीट के जैसे कि आपका लैंग्वेज 1 का सिलेबस अलग होगा और लैंग्वेज 2 का अलग होगा। जी नहीं, आपने इंग्लिश को चाहे लैंग्वेज 1 लिया है, चाहे आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 लिया है, आपका सेम सिलेबस रहना है, वही 9 टॉपिक रहेंगे। आपने चाहे लैंग्वेज 1 लिया हो उसको या लैंग्वेज 2 लिया हो, सेम हिंदी में भी ऐसा ही है, सिलेबस सेम रहेगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि आपको लैंग्वेज 1 में पोएट्री सेक्शन को करना पड़ता है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ पे इंग्लिश में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सिलेबस में। जैसा कि हम इंग्लिश की बात करें अगर, तो आपके ये 9 टॉपिक आते हैं, 15 नंबर का आपका क्या आता है, पैसेज आता है, 2 पैसेज आते हैं। अगर आपने 1 लिया है तो एक पोएम आएगी, एक पैसेज आएगा, और 2 लिया है तो दोनों के दोनों पैसेज आएंगे, ठीक है। उसके बाद लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और ये कुछ आपके 9 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे अपने सिलेबस में, आने वाले सिलेबस में। और सीटेट जो है वो इनसे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है अपने डिस्क्राइब सिलेबस से बाहर, ठीक है। तो यही टॉपिक है, बेशक आपका लैंग्वेज 1 हो इंग्लिश या 2 हो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, तो लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज इज अ मीन बाय विच अ पर्सन कम्युनिकेट्स हिज थॉट, आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन एंड इमोशंस। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वो माध्यम है जिसके द्वारा आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर समझा पा रही हूँ। लैंग्वेज वो माध्यम है, वो मीन है जिसकी वजह से हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रही हूँ। यही काम होता है लैंग्वेज का, हम अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को, हर चीज़ को हम भाषा में पिरोकर ही एक दूसरे के सामने पेश करते हैं। वी यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड इट इज़ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक सिस्टमैटिक वे में यूज़ करते हैं, वे में हम एक दूसरे के सामने रखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ मैं एक लड़की हूँ तो मैं इसको सिस्टमैटिक वे में कहूँगी कि मैं एक लड़की हूँ, लड़की हूँ मैं एक, ऐसा नहीं, हम एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में बात करते हैं जो भी बात करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज के जिससे कि आपका क्वेश्चन आता है सीटेट में। एंड वन मोर थिंग, हम ये करने के बाद में लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो पूछे गए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं चैप्टर में। मेरा ये हमेशा से ये पैटर्न रहता है कि मैं हमेशा क्वेश्चंस को साथ में लेकर के चलती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो लैंग्वेजेस आर्बिट्रेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, भाषा जो है वो स्वच्छंद होती है। मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में हमने ये कह दिया कि CAT कैट होता है। अब किसने कहा कि CAT कैट होता है, CAT कैट क्यों होता है, नहीं मालूम हमें। PEN पेन होता है, क्यों होता है हमें नहीं मालूम। हमने एक पेन जैसे ऑब्जेक्ट को PEN के साथ में एसोसिएट कर दिया कि ये पेन है और इसको PEN कहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये क्यों होता है, ठीक है। अब हम CAT कैट कहते हैं, RAT रैट कहते हैं, यहाँ पे अगर B लगा दो तो BAT बैट हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि उन ऑब्जेक्ट्स को उन वर्ड्स के साथ में किस तरीके से मैच किया गया है। ये बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज़ है, ठीक है। एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं, फ्लावर को फ्लावर क्यों कहते हैं, वेजिटेबल को वेजिटेबल क्यों कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, इसका मतलब लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेरी है, यानी कि स्वच्छंद है। हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से वर्ड्स को इनको ऑब्जेक्ट्स के साथ में एसोसिएट किया गया है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक अलग से सिस्टम है इसका, मतलब ये वर्ड्स, ये चीज़ें यहाँ यहाँ आनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये सिस्टमैटिक वे में भी यूज़ की जानी चाहिए। जैसे हम ग्रामर में कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आपको उस सिस्टम में आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। फिर आता है लैंग्वेज इज डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंजेबल है, डायनेमिक है मतलब बदलती रहती है। आप यहाँ हैं तो आप यहाँ की भाषा बोलेंगे, आप बाहर चले जाते हैं फॉरेन में, आपको वहाँ की भाषा सुनने मिलेगी, बोलने मिलेंगी। दूसरी बात, लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है वो आपकी क्या है, दिन ब दिन जो है आपकी वो क्या होती है, एक उसके अंदर भी एक तरीके का
मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होती है वो भी, ठीक है। कल हम किसी चीज़ को किसी और नाम से जानते थे, आज हम किसी और नाम से जानते हैं, मतलब बहुत ही एडवांस होती जा रही है वोकैबलरी। ग्रामर के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस देखते हैं हम, वोकैबलरी में भी चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है आपकी, डायनेमिक होती है, चेंजेबल होती है। लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी होती है लैंग्वेज के अंदर में। प्रोडक्टिविटी कैसे होती है कि देखो, आपने यहाँ पे एक सी वर्ड था, एक ए वर्ड था, एक टी वर्ड था, आपने इसको मिला करके कैट बना दिया। और जब आप कैट का नाम लेते हैं ना, तो कैट का मतलब एक पैट एनिमल बिल्ली ही हो सकता है। आप कैट को टाइगर की जगह, एप्पल की जगह, मैंगो की जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपने प्रोड्यूस किया, एक प्रोडक्टिविटी है लैंग्वेज के अंदर में, कि जो ए टू जेड आपको जो दिया गया है एक, उसको आप अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ करके वर्ड्स बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज का क्या है, एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक वे में यूज़ होती है, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक टर्म आती है आपकी बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। एक इंसान जो दो भाषाएं बोल सकता है उसको हम कहते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। यानी कि दो भाषाओं में जो बात कर सकता है उसको हम कहते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। जिसको इंग्लिश बोलनी आती है और हिंदी बोलनी आती है, जैसे कि एक क्लास है हमारी, हम इंग्लिश का लेक्चर पढ़ रहे हैं बट फिर भी मैं आपको हिंदी में इसको समझा रही हूँ, तो ये क्लास कैसी हुई, बाइलिंगुअल क्लास हुई, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉलीग्लॉट्स। पॉलीग्लॉट्स क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम देखें तो पॉलीग्लॉट्स क्या होते हैं, अ पर्सन हु कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेजेस, जो 5 से 10 भाषा बोल लेता है। भाई हिंदी बोल लेता है, इंग्लिश बोल लेता है, मराठी बोल लेता है, गुजराती बोल लेता है, तमिल तेलुगु बोल लेता है, तो 5 से 6 भाषाएं जो बंदा बोल लेता है उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक है। ये इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे पूछे जाते हैं लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपसे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक्विजिशन और लर्निंग पूछ लिया जाएगा, उसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो भी आपसे सीटेट पूछता है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म होता है बहुभाषिकता। एक पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकता है उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। और एक क्लासरूम जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस के बच्चे होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम, बहुभाषी कक्षा। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, मतलब कि मल्टीलिंगुअलिज्म को हमें एक रुकावट की तरह देखना चाहिए, भाई इतनी सारी भाषा के बच्चे एक तरह की टेंशन है हमारे लिए, या फिर उसको आपको एक रिसोर्स की तरह देखना चाहिए, ठीक है। भाई आप क्या करेंगे, उसको एक रिसोर्स की तरह देखेंगे, एक संसाधन की तरह देखेंगे कि हाँ भाई मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता जो है वो एक साधन है, संसाधन है, जिससे कि हम क्या करेंगे, 10 बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके की भाषाएँ उन्हें सीखने के लिए मिलेगी, और उनकी भाषा को क्लास में अगर इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो उनको क्या रहेगा, वहाँ पर वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे उस क्लास के अंदर में। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को हमेशा एक रिसोर्स की तरह लेना है, एक बर्डन की तरह हमें नहीं लेना है एज अ टीचर, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ रिसोर्स नॉट अ लिमिटेशन, ठीक है। एक लिमिटेशन कभी भी नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को हमें किस तरीके से लेना चाहिए, तो एक रिसोर्स की तरह, एक संसाधन की तरह लेना चाहिए। इट हेल्प्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें मदद करता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो होता है वो अपनी मदर टंग में सीखता है, फिर उसके बाद में उसके आसपास में बहुत सारी भाषाएं आती है उसमें वो सीखता है चीज़ों को, तो मल्टीलिंगुअलिज्म को हमें प्रमोट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, भाषा का अर्जन करना क्या होता है, ठीक है। वेन चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। सीधे सिंपल भाषा में, जब बच्चा सबकॉन्शियस तरीके से, मतलब उसे पता भी नहीं है, वो एक लैंग्वेज को सीख जाता है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ग्रामेटिकल रूल्स के, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज का एक्विजिशन। एक बच्चा पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ और वो जब उसकी मम्मा उसको कहती है इत्थे आ, ठीक है, और वो आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो उसी लैंग्वेज को सीख रहा है अपनी आसपास के एनवायरनमेंट से, अपनी मदर से, अपने फादर से, अपने घर के एनवायरनमेंट से अपने आप सीख जाता है बोलते हुए, सुनते हुए, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। एक हिंदी भाषी परिवार का बच्चा है जो कि पैदा होने के बाद में धीरे 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 करके हिंदी सीख जाता है, उसे कोई ग्रामर नहीं सिखाई जाती, कुछ नहीं सिखाया जाता, बट वो सीख जाता है, इसका मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन हुआ है, एक्वायर किया है उसने लैंग्वेज को। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड, इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, जो हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, इनके कई सारे नामों से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कह देंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज, अब क्वेश्चन ये आ जाए कि फर्स्ट लैंग्वेज को आप क्या करते हैं, लर्न करते हैं या एक्वायर करते हैं, तो आप कहेंगे फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है बच्चे की उसको वो एक्वायर करता है, यानी कि अर्जन कर लेता है, स्वाभाविक तरीके से सीख जाता है।
एक और वर्ड आता है आपका जिसको हम कहते हैं मदर टंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मदर टंग को बच्चा एक्वायर करता है या लर्न करता है, तो मदर टंग को बच्चा एक्वायर करता है। तो जो एक्वायरिंग लैंग्वेज होती है उसको फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, मदर टंग भी कहते हैं उसको, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज भी कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं और वर्नाकुलर लैंग्वेज भी कहते हैं। इंग्लिश एक ऐसी मज़ेदार लैंग्वेज है जिसमें कि आपको बहुत सारे तरीके से आपको क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही चीज़ के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे कि ये सारी, जब भी इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने के लिए मिले, रीजनल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, वर्नाकुलर, नेटिव, तो ये सारी की सारी आपके किस में आती है, एक्वायर में आती है। आप इन सब चीज़ों को एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सब कॉन्शियस प्रोसेस है। जब आप मतलब बिल्कुल ही कॉन्शियस तरीके से चीज़ों को नहीं सीखते, प्राकृतिक तरीके से सीख जाते, कोई एफर्ट नहीं लगाते, कोई आप मतलब कोई लंबी चौड़ी कसरत नहीं करते उसके लिए, और आप लैंग्वेज को सीख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इट इज़ कम्स अंडर इनफॉर्मल सिचुएशन, मींस नॉट प्लान्ड, किसी भी प्लान्ड सिचुएशन में नहीं होता है। भाई आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप क्या करेंगे, स्कूल में जाना पड़ेगा तभी आप सीख सकेंगे। उसके बाद अगर आपको अच्छे से सीखनी है, स्पीकिंग सीखनी है, तो स्पीकिंग क्लासेस में जाना पड़ेगा। बट जब आप फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, तो वो इनफॉर्मल सिचुएशन में होती है, यानी कि आप उसको अनौपचारिक तरीके से सीख जाते हैं, ठीक है, अनौपचारिक तरीके से आप उसको सीख जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज एक्वायर। सीधी सी बात आपको याद रखनी है, जो आप बिना एफर्ट के, बिना कोई मतलब पापड़ वेले सीख जाते हैं, वो आपकी एक्वायर होती है। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, जब हम भाषा को याद करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच वी लर्न द न्यू लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी। अब लर्निंग में क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पे हम भाषा को किसी एक प्रोसेस के द्वारा लर्न करते हैं। जैसे कि हम सब ने इंग्लिश को सीखा है, इंग्लिश के रूल्स को सीखा है, उसकी वोकैबुलरी को सीखा है, उसकी ग्रामर को सीखा है, ठीक है। तो हमने इंग्लिश को क्या किया है, लर्न किया है, इंग्लिश को हमने एक्वायर नहीं किया है, इंग्लिश को हमने क्या किया है, लर्न किया है। जिस भाषा को सीखने में आपको एक एफर्ट देना पड़े, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़े, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे, यानी कि अधिगम कहेंगे उसको। इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, उसको जो एक्वायर करते हैं लैंग्वेज उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम लर्न करते हैं उसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर आपके सामने लर्न लैंग्वेज की बजाय सेकंड लैंग्वेज आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये आपकी लर्निंग की बात हो रही है। अगर फॉरेन लैंग्वेज की बात आ जाए तो लर्निंग की बात हो रही है। टारगेट लैंग्वेज, ये अक्सर आपको पेपर में वर्ड देखने के लिए मिलेगा कि टारगेट लैंग्वेज, इसका मतलब टारगेट क्या होता है, जिसको हम सीखना चाहते हैं। तो इसका मतलब लर्निंग में जो लैंग्वेज आती है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है। जैसे कि इंग्लिश क्या हो रहती है, ज़्यादातर हमारी टारगेट लैंग्वेज रहती है, क्योंकि हम उसको लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है। इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट इन फॉर्मल सिचुएशन, ये क्या रहता है हमारा, एक आपका चेतन प्रोसेस है ये, जो कि हम फॉर्मल सिचुएशन में औपचारिक तरीके से हम इसको करते हैं। इंग्लिश को सीखना है, स्कूल में जाते हैं, उसके रूल्स को सीखते हैं, उसकी ग्रामर को सीखते हैं, उसकी वोकैबुलरी को, उसका सिंटैक्स, सब कुछ हमें सीखना पड़ता है। तो एक फॉर्मल प्रोसेस है और फॉर्मल सिचुएशन में सीखी जाती है, उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि इंग्लिश की आपकी क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, और आपका ये क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, वो कौन कौन सी होती है, तो देखो फर्स्ट स्टेज होती है कूइंग की, जब बच्चा कूकना सीखता है, ठीक है, जब वो कू कू करके बोलता है, तो उसको हम 6 वीक्स तक बच्चे की कूइंग की स्टेज रहती है। फिर आती है बैबलिंग, जब वो बड़बड़ाना सीखता है, तो वो हमारे 6 मंथ्स तक की स्टेज होती है। 1 वर्ड स्टेज आती है अराउंड 1 ईयर में, जब बच्चा एक एक वर्ड बोलने लगता है। 2 वर्ड स्टेज आती है जब 18 महीने का बच्चा हो जाता है, और लॉन्गर अटरेंस यानी कि 2 से 4 साल में बच्चा क्या करता है, लंबे लंबे वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देता है। आप इनको ज़रूर याद रखना, ये स्टेजेस भी आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इसके बारे में भी सीटेट हमेशा पूछते हैं। बड़ा ही फेवरेट पर्सन है ये सीटेट का भी, नॉम चॉम्स्की जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये बात करते हैं लैड के बारे में, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। इसको आप इसकी ये शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखेंगे और लॉन्ग में भी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है आपसे, तो आपको पता होनी चाहिए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो भगवान हमारे अंदर फिट करके भेजता है, ऐसा नहीं है। नॉम चॉम्स्की ऐसा कहते हैं कि ये एक इस तरीके का डिवाइस है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर बच्चे के अंदर होता है। जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिससे कि उसके अंदर क्षमता होती है भाषा को सीखने की, वो क्षमता को लेकर के पैदा होता है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना,
कि वो लैंग्वेज को लेकर के पैदा नहीं होता है, भाषा लेकर के पैदा नहीं होता है, भाषा सीखने की क्षमता को लेकर के पैदा होता है, एबिलिटी को लेकर के पैदा होता है कि हर बच्चे में एबिलिटी होती है कि वो भाषा को सीख जाएगा, एक्वायर कर लेगा। और हमने ये चीज़ को बिल्कुल देखा भी है कि हर बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट से अपने घर की भाषा को एक्वायर कर लेता है आराम से। तो एक्विजिशन के बारे में इन्होंने बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में नॉम चॉम्स्की ने बात की है। इन्होंने एक और चीज़ के बारे में बात की है, वो है आपकी यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर, इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है वो एक तरीके की यूनिवर्सल ग्रामर को जानता है। मतलब कि अगर आप यहाँ रहते हैं, कहीं और रहते हैं, किसी और देश में जाते हैं, किसी और जगह में जाते हैं, तो एक ऐसी यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो बच्चे को आती होती है, जिसको वो थोड़ा बहुत समझ पाता है और उसको बेस बना करके वो बाकी लैंग्वेज को सीख लेता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में, यूनिवर्सल और जनरेटिव ग्रामर के बारे में नॉम चॉम्स की बात करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपका आता है सीटेट में, ठीक है जी। तो हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं अब, जो आपसे सीटेट में पूछे जा चुके हैं, इनसे रिलेटेड, लैंग्वेज के चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज। आपसे क्या पूछा गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, फॉरन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, या फिर ग्लोबल लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है, जब ये पूछा गया आपसे कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो क्या है, यहाँ पे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा है इंग्लिश आपकी क्या है, तो आप बोलेंगे कि आपकी इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, इंग्लिश क्या है आपकी, सेकेंड लैंग्वेज है। जैसे अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट लैंग्वेज वो जो हमने एक्वायर कर ली हो, सेकेंड लैंग्वेज वो जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जो हमें सीखनी पड़ रही है, तो इस क्वेश्चन में आप ये लगाएंगे कि ये सेकेंड लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। इंडिया जैसी मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश जो है वो क्या स्थान रखती है आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई है, सेम क्वेश्चन है, बट बात यहाँ से घूम गई है कि यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है और उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर इंग्लिश को पूछा जाता है कि इंग्लिश जो है वो कैसी भाषा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको सेकेंड लैंग्वेज या कोई भी नहीं कहेंगे, तब आप इसको क्या कहेंगे, ये आपकी क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। तब आप क्या कहेंगे, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो याद रखना, जब भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, जब एक मल्टीलिंगुअल कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर सिंपली पूछा जाए तो ये सेकेंड लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर के पूछा जाता है और भरपूर गलतियाँ होती है बच्चों की इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड। देखो ऐसे उठ करके आराम से क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, ठीक है, कि एक बच्चा जब नेचुरली लैंग्वेज को सीख जाता है बिना किसी प्रैक्टिस के, तो उसको क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं, या लैंग्वेज जनरलाइजेशन कहते हैं। तो अभी आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। बिना किसी एफर्ट के सीख लेते हैं जब हम, तो एक्विजिशन होता है। व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, तो अब आप याद रखेंगे डेलिबरेट मतलब जो इच्छा से किया है आपने कोई काम, और कॉन्शियस एफर्ट के साथ में किया है, यानी कि बिल्कुल चेतन रूप में किया है, बिल्कुल सजग होकर के किया है, सब कॉन्शियसली नहीं सीख गए आप, मतलब आपने उसके लिए एफर्ट लगाया है, तब आप क्या कहेंगे कि लैंग्वेज इज ब्रश्ड अप, लर्नड, एक्वायर्ड या अर्नड। तो तब हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज इज लर्नड, क्योंकि हमने उसके लिए क्या किया, कॉन्शियस एफर्ट किया है। जहाँ पे एफर्ट की बात आ जाती है तो लैंग्वेज क्या होगी आपकी, लर्नड होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम, लैंग्वेज इज नॉट, तो देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी लैंग्वेज की, उससे क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज सोशल नहीं है, आर्बिट्रेरी नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, या इंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो हमने पढ़ा कि लैंग्वेज जो है वो सोशल होती है, बिल्कुल ठीक बात है, समाज में इस्तेमाल होती है, सामाजिक होती है, आर्बिट्रेरी होती है, स्वच्छंद होती है, हमने पढ़ा था ये चीज़, ठीक है, कि किसी भी नाम का किसी ऑब्जेक्ट के साथ में क्या रिलेशन है, क्यों उसको कैट को कैट बोला जाता है, मैट को मैट बोला जाता है, इस चीज़ के बारे में कोई एक लॉजिकल क्लैरिफिकेशन नहीं है, इसलिए लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। सिंबल्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर में, बिल्कुल ठीक बात है, बट इंस्टिंक्टिव नहीं होती है, मतलब कि स्वाभाविक नहीं होती है लैंग्वेज की, बस हम पैदा हुए जैसी हमें मिली वैसी की वैसी ही है, ठीक है, तो इंस्टिंक्टिव जो है वो लैंग्वेज नहीं होती है। बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की है, ठीक है। होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे, होम लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और वर्ड दे दिया आपको, होम लैंग्वेज, तो प्रमोटेड, एक्वायर्ड, लर्नड या टॉट, होम लैंग्वेज क्या होगी आपकी, लर्न की जाएगी क्या,
बिल्कुल नहीं एक्वायर की जाएगी नेचुरल वे में, ठीक है। तो इसको हज़ार नाम से बोल दिया जाएगा, एक्वायर्ड जो लैंग्वेज होती है उसको फर्स्ट लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, वर्नाकुलर, रीजनल लैंग्वेज, कई नामों से बोला जाएगा, बट आपको याद रखना है नेचुरल तरीके से सीखी जा रही है, एक्वायरिंग कहेंगे आप उसको, ठीक है, भाषा का अर्जन कहेंगे। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स, देखिए हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें से ये क्वेश्चन है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब क्या है? समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, बिल्कुल नहीं, इन्होंने कहा है कि जिसको जजमेंट किया जा सके, जिसका एक स्पेसिफिक रीजन हो, जी नहीं, आर्बिट्रेरी का मतलब तो ये है कि हमें उसका रीजन पता ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन और नॉट ऑन चांस, वैलिड रीजन के ऊपर नहीं है लैंग्वेज, ठीक है। देर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, देखा जैसे कि मैंने बताया कि जो वर्ड है और उनके मीनिंग में, कैट का मतलब बिल्ली ही क्यों होता है, कैट का मतलब कुत्ता क्यों नहीं होता, क्या इसके बीच में कोई वैलिड रीजन है आपके पास में, क्या कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है? नहीं है। हमें नहीं पता कि कैट को बिल्ली और डॉग को कुत्ता क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है वो आर्बिट्रेरी में नहीं आती हैं। आर्बिट्रेरी में क्या आएगा? देर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, जो वर्ड है और जो उसका मीनिंग है उसके बीच में कोई भी इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं है कि भाई हमें बिल्कुल लॉजिकल चीज़ पता है कि हाँ कैट को कैट इसलिए कहा जा रहा है, बैट को बैट इसलिए कहा जा रहा है, डॉग को डॉग इसलिए कुत्ता कहा जा रहा है, ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होगा? जब उनके बीच में, वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज के बीच में और उनके मीनिंग के बीच में कोई भी इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हेल्प्स चिल्ड्रन टू, अगर हम बात करें नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो बच्चों की किस तरीके से मदद करती है सेकंड लैंग्वेज को सीखने में? जी नहीं, सेकंड लैंग्वेज तो हम लर्न करते हैं और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारी एक्वायर के बारे में बात करती है। कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकंड लैंग्वेज, फिर आगे सेकंड लैंग्वेज की बात, सेकंड लैंग्वेज की तो बात ही नहीं की नॉम चॉम्स्की ने, उन्होंने बात की है फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में जो बच्चा एक्वायर कर लेता है, ठीक है। जनरेट ग्रामर रूल्स या फिर इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय द अडल्ट, जी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जनरेट ग्रामर रूल्स के बारे में उन्होंने बात की है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होता है बच्चे के अंदर में वो ग्रामर के रूल्स को जनरेट करता है, अपने आप जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द लैंग्वेज विच इज़ लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग। देखो जब लैंग्वेज को हम एनवायरमेंट में सीख लेते हैं और एक्सप्लिसिट टीचिंग के बिना, किसी भी बाहरी शिक्षण के बिना जब हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज या स्कूल लैंग्वेज। देखा मैंने कहा था ना आपको कि कई सारे वर्ड्स में पूछा जाता है जब हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे। अगर फर्स्ट लैंग्वेज की जगह मदर टंग लिख दिया होता तो हमारा आंसर मदर टंग हो जाता, ठीक है। चलिए आई होप कि आपकी क्लास जो है फर्स्ट क्लास वो आपको समझ आई होगी, मज़ेदार लगी होगी, ठीक है। तो अगर लगी है तो ज़रूर आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। आने वाली क्लासेस में कोशिश करूँगी मैं लाइव सेशंस करने की, ठीक है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा रिकॉर्डेड सेशन में क्या है हमारा टाइम बच जाता है, लाइव में क्या है कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कभी बफरिंग हो रही है, कभी कुछ है कभी कुछ है, उसके चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। आने वाली वीडियोज़ में भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे कॉन्टेंट लाती रहूँगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।